YouTube चैनल मेडिकल एंड नर्सेस है। आज की क्लास में हम बात करेंगे चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के क्वेश्चंस की, जो आपके एग्जाम में सिलेबस दिया गया है अकॉर्डिंग टू दैट। तो आज की क्लास में हम इम्यूनाइजेशन, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग में जो इम्यूनाइजेशन है और फैमिली प्लानिंग सर्विसेज के बारे में बात करने वाले हैं। जो भी लोग चैनल पर नए हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन को प्रेस करके रखें, इससे आपके कोई भी क्लास है जो मिस ना हो पाए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो अपकमिंग टाइम में एमपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वेबसाइट पर आप लोग टाइम टू टाइम प्लीज़ विजिट करते रहिए। अभी नया अपडेट तो कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको सिलेबस है जो अपने सामने रखना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं कि वो एक एक नंबर से लास्ट टाइम से चूक रहे हैं। तो इस बार आपके साथ ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद वैकेंसी आई है। इस बार हो सकता पेपर आपका थोड़ा सा हार्ड भी आ सकता है, ऐसे जैसे पहले हुए हैं उसके कंपेयर में। आप 2019 का देखिए, 20 का देखिए, 21 देखिए, 22 देखिए, चारों बार पेपर अलग अलग तरीके से है जो चेंज होते गया है। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको अपने दिमाग में रखनी है। दूसरी चीज़, अपकमिंग टाइम में बिहार के लिए एग्ज़ाम है ANM वालों का, उड़ीसा में एग्ज़ाम है ANM का, राजस्थान में NHM, ANM का, GNM का एग्ज़ाम है। तो उन सभी के लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। आप लोग डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करके उस मटेरियल को परचेस कर सकते हैं। ANM वालों के लिए बहुत ही चीप प्राइस है, 200 रुपये में आपको 200 रुपीज़ चार्ज लगने वाला, जिसमें आपको 23 पेपर सेट है जो अवेलेबल रहेंगे। और जो लोग MPCHO के पेपर्स लेते हैं तो उनको 16 पेपर का चार्ज लगेगा 200 रुपये। इतना चीप प्राइस आपको कहीं पर भी किसी भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे आप कोई और यूट्यूब चैनल प्रेफर करते हो या फिर कोई और ऐप है जो, या फिर कुछ भी यूज़ करते हो, तो वहाँ पे आपको इतना कम में कुछ भी नहीं मिलने वाला। जो भी लोग इन पेपर्स को लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग 30 पेपर CHO सेट लेना चाहते हैं, उनके लिए भी CHO पेपर्स अवेलेबल हैं, तो वो भी इन पेपर्स को परचेस कर सकते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये रहा है यहाँ पे आपके लिए, नर्सिंग का बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत एग्जाम्स में भी आता है। क्वेश्चन है, विच पीरियड ऑफ एज इज कंसिडर्ड एज प्री ऑपरेशनल स्टेज इन पियागेट्स थ्योरी। जीन पियागेट ने एक थ्योरी दी थी, उस थ्योरी के अकॉर्डिंग प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है? बर्थ टू 2 ईयर्स, 7 to 11 ईयर्स, 11 ईयर्स एंड अबव, या फिर 2 to 7 ईयर। कौन सी एज है जो प्री ऑपरेशनल स्टेज कहलाएगी, कंसिडर की जाएगी प्री ऑपरेशनल पीरियड में? वो टाइम पीरियड होगा 2 से 7 साल तक का पीरियड। कौन सा? 2 से 7 साल तक का पीरियड कहलाएगा। ये देखिए, अब आप इसके लिए नोट डाउन कीजिए, जीन पियागेट की थ्योरी, एरिक एरिक्सन की थ्योरी आपको एग्जाम में आती हैं। तो यहाँ पर सेंसोरी मोटर की बात की जाए तो ये होती है जन्म से लेके 2 साल तक की, जिसमें बच्चा सेंस क्या चल रहा है, क्या उसके आसपास हो रहा है, वो चीज़ें देखेगा, उसको समझना स्टार्ट करेगा। फिर आता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है 2 से 7 साल के बीच में। दैट मीन्स हम कह सकते हैं कि टोडलर ग्रुप से, कब से? टोडलर ग्रुप से लेके प्री स्कूल जो बच्चे होते हैं उनमें, कब से? टोडलर से प्री स्कूल जो बच्चे होंगे उनमें। यहाँ पर अंडरस्टैंड वर्ड्स थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेज। जनरली जो बर्थ से 2 साल तक के बच्चे होंगे, क्या होंगे वो, उनको जो चीज़ें सामने हो रही वो देख के समझेंगे, उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आएगी। अब डांट आप बोलोगे यहाँ बैठो तो वहाँ बैठने की जगह खड़े होकर भागेंगे, तो यहाँ पर वो ये सब नहीं समझते। लेकिन प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे लैंग्वेज से, इमेजिनरी चीज़ों के थ्रू समझना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर यदि प्री ऑपरेशनल स्टेज की बात की जाए तो वो होगी 2 से 7 साल के बीच की। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, यहाँ पर बच्चे अच्छी अच्छी नई नई चीज़ें सोचेंगे, कैटेगराइज करेंगे कि ये चीज़ें इस कैटेगरी की हैं, पढ़ने वाले आइटम्स पढ़ने, एंटरटेनमेंट, उनको ये सब चीज़ें समझ में आने लगेंगी 7 से 12 साल की एज में। तो ये कहलाएगी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। फिर आता है फॉर्मल, जो कि एक एडोलेसेंट स्टेज में कंसिडर की जाएगी, तो होती है 12 साल से आगे की स्टेज, जिसमें नई नई चीज़ें सोच के आप उनको कहोगे कि वहाँ पे भूत है, तो लेकिन वो जब तक उस चीज़ का साइंटिफिक बाल की खाल ना निकालना तब तक वो नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ें आप 12 साल के बच्चे में नहीं आजमा सकते हैं। तो इस तरीके से क्या है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, यदि आपको कहें कि जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन में कहा है बर्थ टू 2 ईयर, तो ये सेंसोरी मोटर स्टेज, मतलब बच्चे को चीज़ें सेंस के थ्रू समझ में आएंगी। प्री ऑपरेशनल मतलब बच्चा इमेज के थ्रू, लैंग्वेज के थ्रू समझेगा। फिर है
7 से 11 साल की स्टेज, तो ये क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज। यहाँ पे कही गई है आपसे कि प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, क्या है प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी है, तो वो 2 से 7 साल तक की स्टेज। क्लियर है। नेक्स्ट इज किया गया है वो है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड डोज ऑफ बीसीजी वैक्सीन फॉर अ 3 मंथ ओल्ड बेबी इज, यदि बच्चे की एज 3 महीने की है, बीसीजी वैक्सीन है जो 3 महीने के बच्चे की एज के लिए किस रूट से और कितने डोज की दी जाएगी। तो ऑप्शन में इंट्राडर्मल 0.1 ml, सबक्यूटेनियस 0.1 ml, इंट्रामस्कुलर 0.5 ml या फिर सबक्यूटेनियस 0.5 ml। फर्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ओनली बीसीजी वैक्सीन ही है जो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, मोस्टली वैक्सीन IM दी जाती है। तो यहाँ पर जो बीसीजी वैक्सीन है एक ऐसी वैक्सीन है इंट्राडर्मल दी जाती है। और यदि यहाँ पर बात की जाती है 3 महीने मंथ बेबी के लिए की जा रही है तो हम कितनी देंगे, 0.1 ml। यदि बच्चे की एज 1 मंथ से ज़्यादा हो तब वैक्सीन का जो डोज है वो भी है जो चेंज रहता है, आपको ये चीज़ याद रखना है। तो बीसीजी वैक्सीन क्यों दी जाती है, ट्यूबरक्लोसिस से प्रिवेंट करने के लिए। फुल फॉर्म में बैसिलाई काल्मेटी ग्यूरिन, डिस्कवरी की थी इसकी, खोज की थी अल्बर्ट काल्मेटी एंड कैमिल ग्यूरिन ने, तो इन्हीं के नाम पर इसका नाम भी रखा गया बीसीजी। अब यदि बात की जाए कि बच्चे की एज 1 मंथ तक है, मींस बेबी डिलीवर होने के बाद से लेकर 1 मंथ तक की एज का है, तब बीसीजी का डोज होगा 0.05 ml इंट्राडर्मल रूट से। लेकिन आफ्टर 1 मंथ से लेकर 1 ईयर तक, 1 मंथ का बेबी हो गया उसके बाद यदि बीसीजी वैक्सीन देते हैं हम, तो डोज होगा 0.1 ml। ये चीज़ आपको याद रखना है। बीसीजी वैक्सीन हमेशा 1 साल तक की एज के बच्चे को ही दी जाती है। आफ्टर दैट यदि बिफोर पहले बच्चा जो डिलीवर हो गया है, 1 साल की एज हो गई है, उसको जो बीसीजी वैक्सीन नहीं दी गई और इनके हिसाब के पास क्लिनिक में हॉस्पिटल में बच्चे को लाया जाता है, यदि बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा है तो आप उसको बीसीजी वैक्सीन नहीं देंगे। फिर आता है इसको डाइल्यूएंट एग्ज़ाम में आपको आता है, तो नॉर्मल सलाइन है जो एज ए डाइल्यूएंट के तौर पर इसके लिए यूज़ किया जाता है। अब आपको क्या करना है, जब आप इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो आपको वैक्सीनेशन से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, आप चाहें तो जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा है इसका स्क्रीनशॉट ले लें। और ऑल ओवर सभी के लिए इम्यूनाइजेशन एज अ नर्स आपको इम्यूनाइजेशन चार्ट याद होना चाहिए, कुछ भी पूछ सकते हैं आपको एग्ज़ाम में। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाने वाली वैक्सीन मेनली यदि एग्ज़ाम में आती है तो वह BCG, हेपेटाइटिस बी जिसको बर्थ डोज भी कहा जाता है, एग्ज़ाम में यदि पूछा जाए बर्थ डोज हेपेटाइटिस बी का, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है और विद इन 24 आवर के ही दिया जाता है। कब तक, विद इन 24 आवर के ही दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर रूट से एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई में लेफ्ट साइड दिया जाता है, इंट्राडर्मल दिया जाता है BCG। फिर यहाँ पर यदि बात की जाती है OPV की, तो OPV का 0 डोज, तो एट द टाइम ऑफ बर्थ BCG, हेपेटाइटिस बी और OPV, तो 0 डोज यदि पूछे OPV का तो एट द टाइम ऑफ बर्थ दिया जाता है, और विद इन द फर्स्ट 15 डेज, डिलीवरी होने के बाद से लेकर विद इन 15 डेज तक ही दे सकते हैं 2 ड्रॉप। फिर यहाँ पर OPV फर्स्ट सेकेंड थर्ड, तो 6, 10, 14 वीक्स पेंटावेलेंट 6, 10, 14 वीक्स रोटावायरस वैक्सीन 6, 10, 14 वीक्स से दी जाती हैं। फिर यहाँ पर 6 and 14 वीक्स में PCV वैक्सीन दी जाती है जो कि नावाडेज अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन में इंक्लूडेड नहीं है। और जब बच्चे की एज 9 महीने कम्प्लीट हो जाए, 9 महीने से लेकर 12 महीने तक, तो मीजल्स एंड रूबेला वैक्सीन का फर्स्ट डोज दिया जाता है। तो यहाँ पर आपको वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ा सा याद रखना है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज़ द यूरिनरी ब्लैडर कैपेसिटी ऑफ 0 to 7 डेज बेबी। तो यहाँ पर बच्चे का जो एज बताया है वो कितना है, 0 to 7 डेज, बच्चे की एज कितनी है 0 से 7 दिन तक। तो बच्चे की एज यदि 0 से 7 दिन है तो ब्लैडर कैपेसिटी क्या होगी, दैट मीन्स बच्चे के ब्लैडर में कितना यूरिन है जो कलेक्ट हो सकता है, 20 ml, 30 ml, 10 ml या फिर 50 ml। तो यहाँ पर बच्चे की यदि कैपेसिटी की बात की जाए, बच्चे की एज कितनी है 0 to 7 डेज, तो कितना होगा 30 ml, कितनी होगी 30 ml, 1 ml पर kg पर आवर नॉर्मल यूरिन आउटपुट होगा इन्फेंट का। स्टोरेज के लिए पूछें तो 30 ml, एडल्ट यूरिनरी ब्लैडर की कैपेसिटी कहते हैं तो कितना होगा 600 to 800 ml। नेक्स्ट वन है यहाँ पर
टोटल लंग कैपेसिटी इन अ न्यूबॉर्न, तो अभी हमने ब्लडर कैपेसिटी पढ़ी न्यूबॉर्न बेबी की, अब यहाँ पर लंग कैपेसिटी, तो ऑप्शन में 100 ml, 350 ml, 500 ml या फिर 150 ml। तो जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी की, टर्म न्यूबॉर्न बेबी की लंग कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, 150 ml। नेक्स्ट वन इज व्हाट फॉर्मूला इज यूज्ड टू चाइल्ड ड्रग डोज कैलकुलेशन बेस्ड ऑन वेट। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, बेस्ड ऑन वेट है जो बच्चे के वजन के हिसाब से मोस्टली है जो मेडिसिन दी जाती है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज किया जाएगा, क्लार्क, कॉप्स, रूल ऑफ नाइन या फिर यंग्स फॉर्मूला। तो यहाँ पर क्लार्क यंग है जो, ये दोनों किसके लिए किए जाते हैं, मेडिसिन का डोज कैलकुलेट करने के लिए। रूल ऑफ नाइन बर्न पेशेंट के लिए यूज होता है, और जो कॉप्स फॉर्मूला है ब्लैडर कैपेसिटी के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जो मेनली वेट, बेस्ड ऑन वेट की बात हो रही है बच्चे के, तो बेस्ड ऑन वेट की बात करें तो क्लार्क फॉर्मूला मेनली यूज किया जाता है। तो यहाँ पर बच्चों में तीन मेथड अपनाई जाती हैं ड्रग कैलकुलेट, डोज कैलकुलेट करने के लिए, यंग, फ्राइट्स एंड क्लार्क। तो यदि जो मोस्टली वेट के हिसाब से यदि पूछते हैं, क्लार्क रूल सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है हॉस्पिटल में। फिर आता है यंग फार्मूला। तो यंग फार्मूला क्या है, यहाँ पर एज ऑफ चाइल्ड डिवाइडेड बाय एज ऑफ चाइल्ड प्लस 12 इंटू एवरेज एडल्ट डोज इक्वल टू चाइल्ड डोज। तो चाइल्ड के लिए, यदि इन्फेंट के लिए पूछें तो फ्राइट्स रूल यूज़ किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की एज है जो मंथ, इन्फेंट के लिए कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे तो होगा फ्राइट्स रूल, और मंथ में एज पूछते हैं तो यदि वेट के अकॉर्डिंग पूछें तो क्लार्क रूल। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉप्स फार्मूला। तो कॉप्स फार्मूला हम क्यों यूज़ करते हैं, ब्लैडर कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए, बच्चों में ब्लैडर कैपेसिटी कितनी उसके लिए। तो यहाँ पर एज इन ईयर्स प्लस 2, बच्चे की एज किस में, ईयर्स में, प्लस 2 करके इनटू 30 करना है, जो भी कैपेसिटी निकल के आएगी वो ml में निकलेगी, तो क्या होगी, ब्लैडर कैपेसिटी होगी बच्चों की। नेक्स्ट वन इज इन अ चाइल्ड विथ माइल्ड हीमोफीलिया ए द फैक्टर 8 लेवल इज। तो ये सबको पता है कि हीमोफीलिया में फैक्टर जो 8 है और 9 है डिस्टर्ब रहेगा। तो यहाँ पर हीमोफीलिया का टाइप ए हुआ है तो फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा, 5 to 50%, लेस देन 1%, 50 to 60% या फिर 1 to 5%। तो यदि माइल्ड हीमोफीलिया ए का केस है, माइल्ड हीमोफीलिया ए का केस है, फैक्टर 8 का लेवल कितना होगा यहाँ पर, 5 to 50%, कितना होगा, 5 to 50%। अब यहाँ पर हम बात करें जो नॉर्मल रेंज रहेगी किसकी, नॉर्मल रेंज रहेगी परसेंटेज ऑफ नॉर्मल फैक्टर एक्टिविटी, जो नॉर्मल फैक्टर एक्टिविटी होगी ब्लड में परसेंटेज में कितनी होगी, 50 से 150%, कितना होगा, 50 to 150%। यदि यहाँ पर आयु यूनिट में यहाँ पर नापते हैं तो होगी 0.50 to 1.5 IU। लेकिन माइल्ड हीमोफीलिया यहाँ पर कहा गया है कि माइल्ड हीमोफीलिया है तो कितना है, 5 to 50%, कितना होगा, 5 to 50%। जो एक यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ऑप्शन की बात की जा रही तो 5 to 50%, एंड यहाँ पर मॉडरेट आता है तो 1% to 5%। जब सीवियर हीमोफीलिया होगा तो जो लेस देन 1% तक जो नॉर्मल फैक्टर होना चाहिए ब्लड में वो कितना होना चाहिए, 50 से 150। लेकिन जब ये 5 से 50 तक जाता है, 5 से 50% तक, तो माइल्ड, फिर 1 से 5% जाता है तो मॉडरेट, जब लेस देन 1% से ज़्यादा चला जाए तो क्या कहलाएगा, सीवियर हीमोफीलिया। नेक्स्ट वन इज विच वैक्सीन स्टोर्ड एट द फ्रीजर कंपार्टमेंट ऑफ रेफ्रिजरेटर। कौन सी वैक्सीन है फ्रीजर कंपार्टमेंट में है जो स्टोर करके रखी जाती है, OPV, BCG, मीजल्स या फिर MMR। तो अलग अलग वैक्सीन के लिए स्टोरेज है जो अलग अलग होता है, दैट मीन्स टेम्परेचर अलग अलग यूज़ किया जाता है। लेकिन फ्रीजर कंपार्टमेंट, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट जो वैक्सीन रखी जाती है वो है OPV वैक्सीन, बिकॉज इट्स अ मोस्ट हीट सेंसिटिव वैक्सीन। तो इसीलिए इसको कहाँ पर रखा जाता है, रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में। नेक्स्ट वन इज डोज एंड रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ रोटा वायरस वैक्सीन इज। तो रोटा वायरस वैक्सीन का कितना डोज और किस रूट से दिया जाता है, 2 drops oral, 5 drops oral, 10 drops oral या फिर 1 ml इंट्रामस्कुलर। तो दो वैक्सीन है जो ओनली ओरल दी जाती है, एक तो है रोटा वायरस वैक्सीन और दूसरी होती है ओरल पोलियो वैक्सीन। तो OPV का डोज दिया जाता है 2 बूंद, 2 बूंद जिंदगी की।
रोटा वायरस वैक्सीन का डोज दिया जाता है 5 ड्रॉप्स, कितनी होती है 5 ड्रॉप्स ओरली दी जाती हैं। अब यहाँ पर रोटा वायरस वैक्सीन को लेके जो कन्फ्यूज़न है बहुत सारे लोगों में कि इनके डोज कितने होते हैं, दैट मीन्स कितने डोज दिए जाते हैं, तो 3 भी दिए जाते हैं, 2 भी दिए जाते हैं। इट्स डिपेंड ऑन द ब्रांड कि ब्रांड कौन सा है। यदि रोटाटैक का डोज दिया जा रहा है जो कि 6 और 14 वीक्स में दिया जाता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के साथ में ही, तो यदि रोटाटैक का डोज देते हैं हम तब कब देंगे, 2, 4 और 6 महीने में। ओरली दी जाती हैं दोनों ही, अलग अलग हॉस्पिटल में अलग अलग यूज़ की जाती हैं। लेकिन रोटाटैक का जो जेनेटिक फ्रेमवर्क है वो क्या है, वो भी रोटा वायरस और रोटारिक्स के ओनली 2 डोज दिए जाते हैं, एक दिया जाएगा 2 महीने में और दूसरा दिया जाएगा 4 मंथ में, जो कि यहाँ पर ह्यूमन रोटा वायरस 89 to 12 है जो यहाँ पर यूज़ किया जाता है। मेनली आपको इसमें यही याद रखना है कि ओरल दी जाती हैं, रोटाटैक का है तो इसके 3 डोज होते हैं, रोटारिक्स का है तो 2 डोज, और एक इसके लिए दी जाती है डायरिया से प्रिवेंट करने के लिए। नेक्स्ट वन इज आफ्टर विच एज BCG वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन, किस एज के बाद BCG वैक्सीन हम नहीं दे सकते हैं, 6 मंथ, 1 ईयर, 2 ईयर्स या फिर 5 ईयर्स में। तो BCG वैक्सीन है जो हम आफ्टर द 1 ईयर के बाद बच्चों में नहीं दे सकते हैं। 1 मंथ में अलग डोज दिया जाता है, जैसे हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ा, जब बच्चे की एज 1 साल हो जाए तब अलग डोज दिया जाता है, लेकिन रूट सेम रहेगा। परमानेंट स्कार फॉर्मेशन करने वाली वैक्सीन ओनली कौन सी है, BCG वैक्सीन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ डिसीज इज कॉज्ड बाय द वायरस, तो इनमें से कौन सी डिसीज है जो कि वायरस के थ्रू होती है, रेबीज, मम्स, एड्स, सिफिलिस, टाइफॉइड, टिटनस, कोलेरा एंड ट्यूबरक्लोसिस। तो यहाँ पर जो डिसीज ओनली वायरस से होगी कौन सा है, जो ओनली वायरस से होगी वो कौन सी है, रेबीज एंड मम्स, क्योंकि एड्स HIV वायरस से होगा, सिफिलिस होगा ट्रिपनोमा पैलिडियम नाम के बैक्टीरिया से, किससे होगा ट्रिपनोमा पैलिडियम से, टाइफॉइड का बैक्टीरिया साल्मोनेला एंटेरिका सीरोटाइप और टाइफी बैक्टीरिया, टिटनस क्लोरिस्टिडियम टिटेनी नाम के बैक्टीरिया से होगा, कोलेरा विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होगा, TB माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई से होगी। अब यहाँ पर बचते हैं रेबीज एंड मम्स, दोनों कौन सी हैं, वायरल डिसीज हैं। नेक्स्ट वन इज BIA इज यूज फॉर, तो विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड, फुल फॉर्म क्या है, विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड इज यूज टू, तो एक इसके लिए यूज़ किया जाता है, डायग्नोस ओरल कैंसर, ट्रीट द लंग कैंसर, रेडिएशन थेरेपी फॉर इंटेस्टाइनल कैंसर और स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर। तो यहाँ पर VIA का मतलब क्या, यहाँ पर विजुअल इंस्पेक्शन विथ एसिटिक एसिड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और एक इसके लिए यूज़ किया जाता है, स्क्रीनिंग फॉर सर्वाइकल कैंसर, इसके लिए सर्वाइकल कैंसर के लिए प्री कैंसरस लीजन्स को डिटेक्ट करने के लिए, अर्ली इन्वेसिव कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए VIA टेक्निक है जो अपनाई जाती है। नेक्स्ट है यहाँ पर मैटरनल डेथ मीन्स डेथ ऑफ अ प्रेग्नेंट वूमेन, तो मैटरनल डेथ का मतलब क्या है कि प्रेग्नेंट वूमेन की कब तक डेथ हो जाना, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 28 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 30 डेज ऑफ डिलीवरी, फ्रॉम कंसेप्शन टिल 42 डेज ऑफ डिलीवरी और डेथ ओनली ड्यूरिंग द डिलीवरी। सो मैटरनल डेथ का मतलब है यहाँ पर कंसीव करने से लेके डिलीवरी के 42 डेज बाद तक यदि डेथ हो जाती है किसी भी रीजन से, चाहे वो PPH हो, APH हो, कोई भी इन्फेक्शन हो, वो किस में कंसीडर किया जाएगा, मैटरनल डेथ में। नेक्स्ट है यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन नर्सिंग का एग्जाम में आपको रखा हुआ मिलता है, अ चाइल्ड इज SAM इफ MUAC, तो सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रीशन, क्या है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रीशन है बच्चे को, तो मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस कितना होगा, एंथ्रोपोमेट्री मेजरमेंट के लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जो MUAC को चेक करने के लिए क्या कौन सा स्केल टेप यूज़ किया जाता है, तो वो साकेट टेप। अब यहाँ पर यदि बच्चा SAM है तो MUAC कितना होगा, तो जब भी MUAC लेस देन 11.5 सेंटीमीटर हो जाए दैट मीन्स बच्चा क्या है, सीवियरली एक्यूट माल नरिस्ड है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल रेंज होती है मोर देन 13.5 रहती है, क्या है नॉर्मल है, यदि येलो में आता है तो बच्चे का जो MUAC है कितना होगा, 12.5 to 13.5, और यदि लेस देन 12.5 जाता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, सीवियरली माल नरिस्ड है। लेकिन एग्जाम में यदि आपको आता है तो रेंज है रेड
दैट मीन्स एवास्टेड बच्चा बहुत ज़्यादा माल नरिस्ड है, येलो में बॉर्डर लाइन पर है, ग्रीन में हेल्दी है. नेक्स्ट वन इज डायरिया मीन्स लूज स्टूल इन वन डे. डायरिया का मतलब होगा लूज स्टूल दिन में कितने बार जाना, टू और मोर टाइम्स, थ्री और मोर टाइम्स, फोर और मोर टाइम्स या फिर फाइव और मोर टाइम्स. तो डायरिया का मतलब होगा लूज स्टूल जाना दिन में थ्री और मोर टाइम्स, तीन या फिर उससे ज़्यादा बार जाना. नेक्स्ट वन इज पी सी वी वैक्सीन इज गिवन टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट. तो पी सी वी वैक्सीन किससे प्रोटेक्ट करने के लिए दी जाती है, टाइफॉइड, डायरिया, निमोनिया या फिर मेनिनजाइटिस. तो न्यूमोकोकल वैक्सीन यदि आप मार्केट में बात करें तो प्रेवनार नाम से अवेलेबल होगी, जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल उसमें इंक्लूड नहीं है, बट इसका डॉक्टर्स अलग से चार्ज करते हैं. तो पी सी वी वैक्सीन दी जाती है निमोनिया से प्रिवेंट करने के लिए. नेक्स्ट वन इज डोज ऑफ विटामिन ए गिवन अलॉन्ग विथ मीजल्स वैक्सीन इज फॉर अ चाइल्ड ऑफ 16 मंथ एजेज. तो बच्चे की एज यदि 16 महीने है, मीजल्स वैक्सीन के साथ में विटामिन ए दिया जाता है, ओरली दिया जाता है, तो ये कितना दिया जाएगा, 0.5 लाख आयु, 1 लाख आयु, 2 लाख आयु या फिर 2.5 लाख आयु. तो विटामिन ए का जो डोज दिया जाता है 16 मंथ के बच्चे के लिए, यहाँ पर एज कितनी है, 16 मंथ है बच्चे की, तो जो मीजल्स वैक्सीन के साथ डोज दिया जाएगा वो होगा 2 लाख यूनिट, कितनी होंगी, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट. तो यदि यहाँ पर मेरे पास एक क्वेश्चन आया था कि कभी भी 50,000 यूनिट नहीं दी जाती, तो वो वहाँ पर मैं आपको आंसर नहीं कर पाई थी कमेंट बॉक्स में. तो जिसने भी कमेंट किया था, मैं आपको बता दूं कि जब भी बच्चे की एज 6 महीने से कम हो, बच्चे की एज जब भी यदि उसको विटामिन डेफिशिएंसी डायग्नोज की जाती है, तो बच्चे की एज यदि 6 महीने से कम हो तब कितना डोज दिया जाएगा, 50,000 आयु. लेकिन जब एज 6 महीने से ज़्यादा हो, 6 मंथ टू 12 मंथ तक हो, तो 1 लाख, यदि मोर देन 12 मंथ ऑफ एज हो तो 2 लाख. आप याद रखें, यदि बच्चे की एज 6 महीने से ज़्यादा हो तब 50,000 यूनिट है जो दे सकते हैं. नेक्स्ट वन इज विच अमंग द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट इंसिडेंस ऑफ कॉमन कोल्ड. कॉमन कोल्ड के लिए कौन सा वायरस सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है, राइनो वायरस, T4 वायरस, MSZ वायरस या फिर सीमियन वायरस 40. तो जो कॉमन कोल्ड के लिए जो मोस्टली रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो क्या है, राइनो वायरस, जो कि सिंगल स्ट्रैंड RNA वायरस है. नेक्स्ट वन इज व्हाट शुड बी अप्लाइड ओवर अम्बिलिकल कॉर्ड. तो अम्बिलिकल कॉर्ड के ऊपर आप क्या अप्लाई करेंगे, स्प्रिट, बीटाडीन, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट या फिर नथिंग. तो मान लीजिए बच्चे को अम्बिलिकल कॉर्ड है जो फॉल डाउन जनरली विद इन 1 वीक में हो जाती है, लेकिन नहीं हुई है, वहाँ पर कुछ हीचिंग हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तो आपको वहाँ पर ना तो स्प्रेट, ना वीटाडीन, ना एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना है. यदि आप चाहें कुछ भी लगाना तो कोकोनट ऑयल है जो आप यूज़ कर सकते हैं ताकि मॉइस्चर रहे, लेकिन आपको अपना अलग से दिमाग लगा के वहाँ पर स्प्रेट, बीटाडीन या फिर एंटीबायोटिक नहीं लगाना है, वो अपने आप फॉल डाउन हो जाएगी. इस तरीके से यदि एग्ज़ाम में यहाँ पर आपको लगाने के लिए कुछ कहा जाए तो आप यहाँ पर कुछ भी नहीं लगाएं. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन ओपन वैल पॉलिसी. तो ओपन वैल पॉलिसी में जो आपने पढ़ा है 4 स्पेयर होते हैं जनरली वाइट पर्पल टाइप से, तो यहाँ पर ओपन वैल पॉलिसी के लिए जो कौन सी वैक्सीन इंक्लूड है, मीजल्स, पेंटावेलेंट, रोटा वायरस वैक्सीन या फिर BCG वैक्सीन. ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन इंक्लूडेड है वो कौन सी है, पेंटावेलेंट वैक्सीन. अब यहाँ पर कौन सी वैक्सीन है जो ओपन वायल पॉलिसी इंक्लूड नहीं रहेगी आपको, क्योंकि जो कम है वो इंक्लूड नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कम वाली बताऊंगी जिससे आपको जनरली याद रहे. यदि ओपन वायल पॉलिसी में जो वैक्सीन पूछते हैं कि इंक्लूड है, तो आपको पेंटावेलेंट कहना है. पेंटावेलेंट में आपकी DPT, डिप्थीरिया पर्टुसिस, टिटनेस, टिटनेस टॉक्साइड, हेपेटाइटिस बी, हीमोप्लस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी है जो ऐड हो जाएंगी. तो आपको पेंटावेलेंट और OP भी याद रखना है कि ये इंक्लूडेड हैं. लेकिन यहाँ पर जो इंक्लूडेड नहीं है वो क्या है, मीजल्स, BCG एंड जेपलीज इंसेफ्लाइटिस. बाकी यहाँ पर IPV, पेंटावेलेंट और जो ओरल पोलियो वैक्सीन है ये इंक्लूडेड है. नेक्स्ट वन इज What is the possible cause of cold sores from the following options? तो यहाँ पर cold sores का most common option कौन सा हो सकता है, यहाँ पर option में है contact with the fecal of infected pupil or pets, kissing, drinking contaminated water or eating the rotten food.
तो यहाँ पर जो कोल्ड सोर्स है, क्या है कोल्ड सोर्स का जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होता है एचएसवी वायरस। क्या है? एचएसवी वायरस, हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस। क्या है? हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस है जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है कोल्ड सोर्स के लिए। और यहाँ पर जो कोल्ड सोर्स का जो कॉमन रीज़न होगा, कारण होगा, वो क्या होगा? किसिंग। क्या है? किसिंग। क्योंकि डायरेक्ट जनरली जो कोल्ड सोर्स के जो साइन होते हैं वो लिप्स के यहाँ पर आपको इस तरीके से देखने को मिलेंगे। डायरेक्ट किसिंग के कारण सबसे ज़्यादा है जो होगा, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में नहीं हो तो आप किसिंग को मार्क कर सकते हैं, या तो आपको एग्जाम में इस तरीके से इमेज दी जाएगी, पूछा जाएगा कि ये क्या है। तो ये कोल्ड सोर्स है जो कि हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण होगा। नेक्स्ट वन इज एडिमा इज द साइन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर। तो एडिमा किस न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर का साइन है? न्यूट्रिशनल ड्वार्फिज्म, मरास्मस, क्वासियोरकर या फिर ओवरवेट। तो जो एडिमा है किसका क्लिनिकल साइन है? तो ये है यहाँ पर क्वासियोरकर का। क्वासियोरकर के पेशेंट में एडिमा देखने को मिलेगा, स्वेलिंग देखने को मिलेगी। लेकिन मरास्मस के बच्चे कैसे होंगे? सिकड़े हुए होंगे। नेक्स्ट वन इज द टर्म ऑफ लेबर डिस्टोकिया रिफर्स टू अ सिचुएशन व्हेन देयर इज स्लो और नो प्रोग्रेस इन लेबर। तो डिस्टोकिया टर्म यूज किया जाता है लेबर में। तो यहाँ पर जब भी लेबर में ना तो कोई प्रोग्रेस हो रही हो, लेबर की जो प्रोसेस है वो क्या है, बहुत ज़्यादा स्लो है, दैट मीन्स डायलिटेशन प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन में एबनॉर्मल लेबर, नॉर्मल लेबर, फंक्शनल लेबर या फिर ऑपरेटिव लेबर। लेबर को जब डिस्टोकिया, डिस का मतलब होगा कुछ भी एबनॉर्मलिटी है, डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर, यूटोकिया का मतलब होता है नॉर्मल लेबर और डिस्टोकिया का मतलब होता है एबनॉर्मल लेबर। नेक्स्ट वन इज विच वन इज द ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स। एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप, हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग के भी ऐड है यहाँ पर। कौन से हैं जो ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं? विलेज हेल्थ गाइड, डॉक्टर, आंगनवाड़ी वर्कर या फिर बोथ है एंड सी। तो यहाँ पर जो बात की जा रही है ग्रॉस रूट लेवल हेल्थ वर्कर्स की, तो वो कौन से हैं? विलेज हेल्थ गाइड और आंगनवाड़ी वर्कर्स, लोकल दाइस, आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, फुल फॉर्म एग्जाम में आता है उषा, ये सभी क्या हैं? ग्रॉस रूट लेवल वर्कर्स हैं। नेक्स्ट वन इज इन इंडिया विच वन इज द फॉलोइंग इज द फर्स्ट रेफरल यूनिट। तो फर्स्ट रेफरल यूनिट कौन सी है इंडिया में? सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर हैं या फिर रीजनल हॉस्पिटल्स हैं। तो इंडिया में यदि बात की जाए तो फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या है? तो वो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर। पॉपुलेशन नॉर्म्स पूछे तो सब सेंटर के लिए जो पॉपुलेशन नॉर्म्स है प्लेन एरिया में, मतलब कि एरिया अच्छा है, पहाड़ वहाड़ नहीं वहाँ पर, तो 5,000। हिली और ट्राइवल की बात करें तो 3,000। PHC की बात करें तो 30,000 है जो प्लेन के लिए और 20,000 है पहाड़ी इलाकों के लिए। CHC 1,20,000 प्लेन एरिया में और 80,000 है यदि पॉपुलेशन ट्राइवल एरिया में। तो हेल्थ वर्कर पूछें तो 5,000 प्लेन एरिया और 3,000 हिली ट्राइवल एरिया में, तो जितना सब सेंटर में होता है उतना ही यहाँ पर ऐड है। नेक्स्ट वन इज माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा वर आइडेंटिफाइड बाय। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस एंड विब्रियो कोलेरा किसने इसकी खोज की थी? वान हेल्मक्लोच, रॉबर्ट कोच, लुइस पाश्चर या फिर वॉन ल्यूवेनहॉक। तो विब्रियो कोलेरा जो कि कोलेरा का कॉजिटिव एजेंट है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लाई टीबी का कॉजिटिव एजेंट है, दोनों की खोज की थी रॉबर्ट कोच ने। किसने की थी? रॉबर्ट कोच ने। नेक्स्ट वन इज इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन इज नोन एज। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है जो यहाँ पर कौन सी है? ऑप्शन में है साल्क, सेवन, बोथ या फिर नन ऑफ द अबव। तो इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है यहाँ पर साल्क, और ओरल पोलियो वैक्सीन के लिए क्या कहा जाता है? सेवन। IPV यदि पूछते हैं तो आपको याद रखना है साल्क, और OPV पूछें तो सेवन। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ग्रे बेबी सिंड्रोम सीन इन इन्फेंट्स कैरेक्टराइज बाय प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन, पैलर, साइनोसिस एंड वेसोमोटर कोलैप्स 3-4 days आर एसोसिएटेड विथ यूज्ड ऑफ। तो ग्रे बेबी सिंड्रोम इन्फेंट्स में कौन सी मेडिसिन के कारण होगा? बच्चे में जो साइन दिखाई देंगे प्रोग्रेसिव एब्डोमिनल डिस्टेंशन है, पैलर है, ब्लूइश स्किन देखने को मिल रही है, वेसोमोटर कोलैप्स हो रहा है, जब बच्चे को ये मेडिसिन 3-4 days तक दी गई हो तब। ऑप्शन में सल्फाडाइजिन, क्लिंडामाइसिन, क्लोरमफेनिकोल या फिर वैंकोमाइसिन।
यदि ग्रे बेबी सिंड्रोम एग्जाम में आए या फिर आपसे एक आ जाए क्लोरामफेनिकोल का जो कॉमन साइड इफेक्ट है वो क्या है, ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो यहाँ पर ग्रे बेबी सिंड्रोम या फिर क्लोरामफेनिकोल दोनों रिलेट करते हैं। तो यदि क्लोरामफेनिकोल 3 to 4 days तक दी जाती हो बच्चे में जो टॉक्सिटी टाइप के साइन होंगे वो क्या कहलाएगा, ग्रे बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज रेड मैन सिंड्रोम इज एसोसिएटेड विद, करता है तो ये करेगा वैंकोमाइसिन। किससे, वैंकोमाइसिन का एक साइड इफेक्ट है क्या है, रेड मैन सिंड्रोम। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्जर्व्ड एज एंटी मलेरिया मंथ। तो एंटी मलेरिया मंथ हम कब मनाते हैं, दिसंबर मई जनवरी या फिर जून में। तो हर साल एंटी मलेरिया मंथ सेलिब्रेट करते हैं कब, जून में। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच 5 year प्लान प्रोग्राम आशा वॉज इंट्रोड्यूस्ड। तो एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट को कौन सी पंचवर्षीय योजना में लाया गया था, 8th 5 year प्लान में, 9th 5 year प्लान में, 10th 5 year प्लान में या फिर 11th 5 year प्लान में। तो जो आशा वर्कर इंट्रोड्यूस की गई थी ये की गई थी 2007 से 2012 के बीच में जो पंचवर्षीय योजना रही है वो है 11th 5 year प्लान में। लास्ट पंचवर्षीय योजना रही है वो कौन सी थी, 12th पंचवर्षीय योजना, 12वें नंबर की पंचवर्षीय योजना, 12th 5 year प्लान जो कि 2012 के बाद से 2017 तक रही है। और जो आशा वर्कर लाई गई थी ये लाई गई थी 11th 5 year प्लान में। नेक्स्ट वन इज अंडर NRHM हु विल बी द लिंक पर्सन बिटवीन कम्युनिटी एंड हेल्थ केयर सर्विसेज। तो NRHM के तहत जो लिंक पर्सन है कम्युनिटी और हेल्थ केयर सर्विसेज के बीच में वो कौन से हैं, TBA, ANM, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर्स। तो NRHM के तहत जो लिंक पर्सन है कम्युनिटी और हेल्थ वर्कर्स के बीच के वो कौन से हैं, आशा वर्कर, कौन है, आशा वर्कर। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन आर गिवन एट द टाइम ऑफ बर्थ एक्सेप्ट। तो तीन वैक्सीन दी जाती हैं एट द टाइम ऑफ बर्थ, BCG, ओरल पोलियो वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी वैक्सीन, विटामिन के इंजेक्शन टू प्रिवेंट फ्रॉम हेमरेज और एक्सीडेंटल ब्लीडिंग बेबी में। तो यहाँ पर दिए जाएंगे क्या क्या, BCG, OPV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस ए है जो नहीं। रेबीज के पेशेंट में इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी किस तरीके से काम करेगी, कि जो ऑटो इम्यून डिसीज है तो मायस्थेनिया ग्रेविस, लेकिन जब हम इम्यूनोसप्रेसर थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो खुद की ऑन एंटीबॉडी बन रही उनके प्रोडक्शन को क्या किया जाएगा, कम किया जाएगा। जब आपकी बॉडी में यहाँ पर देखिए इस इमेज से आपको इजीली मायस्थेनिया ग्रेविस समझ में आएगा, ये रही यहाँ पर सिनेप्सिस जो क्या कर रहे हैं, न्यूरोट्रांसमीटर। अब यहाँ पर जो न्यूरोट्रांसमीटर है वो क्या, एसिटाइल कोलिन रहेगा। तो यहाँ पर ये क्या होगी, रिलीज साइट होगी नर्व टर्मिनल के यहाँ पर। तो यहाँ पर जो एसिटाइल कोलिन रहेगा क्या है, यहाँ पर जो इम्पल्सेस हैं मसल्स तक जा रहे हैं, नर्व इम्पल्स हैं मसल्स तक जा रहे हैं, यदि यहाँ पर आपकी ऑन ऑटो एंटीबॉडी बनती है तो ये क्या करेंगे, इन रिसेप्टर को ख़त्म करने का काम करेंगी, राइट। लेकिन जब यदि हम यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी देंगे पेशेंट में तो जो यहाँ पर खुद की ऑटो एंटीबॉडी बन रही है क्या होंगी, कम हो जाएंगी। कैसी होंगी, कम होंगी, जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तब ये क्या करेंगी, एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर को डैमेज करने का काम कर रही है, नष्ट करने का काम कर रही हैं, तो ये कम होगा। और इसी तरीके से मायस्थेनिया ग्रेविस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं इसको। तो यहाँ पर एक मेन जो इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी का काम क्या होगा, जो खुद की एंटीबॉडी बन रही है उनके प्रोडक्शन को कम करना, और जब इनका प्रोडक्शन कम होगा तो एसिटाइल कोलिन का जो रिसेप्टर है डैमेज हो रहा है, प्रॉपर इम्पल्सिस नहीं जा पाएंगे, तो उसको क्या करेंगे, हम ट्रीट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर इम्यूनोसप्रेसिव थेरेपी इस तरीके से कारगर होगी। नेक्स्ट है यहाँ पर इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। यदि न्यू बॉर्न बेबी डिलीवर हुआ है एट द टाइम ऑफ बर्थ उसका वजन कितना है, 2 kg 900 g है, तो इसका मतलब क्या होगा, बेबी कैसी कंडीशन में पैदा हुआ है, लो बर्थ वेट बेबीज है, वेरी लो बर्थ वेट बेबी है, स्मॉल फॉर डेड बेबी या फिर नॉर्मल बर्थ वेट बेबी है। तो किस तरीके का बेबी है जो पैदा हो गया जिसका वजन 2.9 kg है, तो ये कहलाएगा नॉर्मल बर्थ वेट बेबी, बिकॉज जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है इंडियन न्यूबॉर्न बेबी का वो होता है 2.5 kg से ज़्यादा। लेकिन जब ये 2.5 kg से कम होता है तब ये सिचुएशन हम कंसिडर करते हैं लो बर्थ वेट बेबीज में, किस में, लो बर्थ वेट बेबीज में हम इस सिचुएशन को क्या करेंगे, कंसिडर करेंगे।
और यहाँ पर फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट, तो वेरी लो बर्थ वेट पे ऐसे बेबीज आएंगे जिनका बर्थ वेट लेस देन 1.5 केजी या फिर 1500 ग्राम से भी कम हो एट द टाइम ऑफ बर्थ है, और जेस्टेशनल एज क्या रही हो, कंप्लीट रही हो, आफ्टर 37 वीक के बाद डिलीवर हुए हैं, लेकिन बर्थ वेट कितना है, 1500 ग्राम से कम है। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ, तो अब जिनका वजन 1000 ग्राम से भी कम है और 1 किलो से भी कम वजन के हैं वो क्या कहलाएंगे, एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट है यहाँ पर, व्हाट इज द नॉर्मल MUAC, दैट मींस मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस इन नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी। जो नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं इनमें MUAC कितना होता है, क्या है, नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबी होते हैं उनमें नॉर्मल मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस कितना होता है, 12 से 16 सेंटीमीटर, 9 से 11 सेंटीमीटर, 16 से 17 सेंटीमीटर या फिर 20 से 21 सेंटीमीटर कितना होगा, सर्कमफेरेंस होता है 9 to 11। अब यहाँ पर हम एक छोटी सी टेबल के थ्रू इसको समझेंगे कि MUAC है क्या। MUAC चेक किया जाता है लेफ्ट अपर आर्म में, कहाँ से, मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो। MUAC यूज किया जाता है न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए, किसके लिए, न्यूट्रिशनल स्टेटस को चेक करने के लिए। अब यदि नॉर्मल एवरेज एट द टाइम ऑफ बर्थ मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस की बात की जाए कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर, कितना होगा, 9 to 11 सेंटीमीटर। फिर बात आती है 1 साल के बच्चे की, तो होगा 12 to 16 सेंटीमीटर। जैसे वेट और हाइट बढ़ती है उतने फास्ट तरीके से MUAC नहीं बढ़ता, ये भी आप सुन लीजिए। तो यहाँ पर 1 साल में होगा 12 से 16 सेंटीमीटर, फिर होगा 1 से 5 साल की एज में तो 16 से 17। आपने 1 साल से 5 साल तक के बच्चे देखे होंगे, उनका जो आप MUAC चेक करेंगे तो उसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको लगेगा कि मेरा बच्चा स्वस्थ नहीं है, मोटा नहीं हो रहा है सब। नेक्स्ट आता है 12 ईयर, तो 12 में 17 to 18, 15 में 20 से 21 सेंटीमीटर MUAC रहेगा। MUAC चेक किया जाता है साकेट टेप से, ये टेप आपको एग्जाम में दिया जा सकता है, पूछा जा सकता है कि जो रेड लाइन है, येलो है और ग्रीन है तो क्या रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो यहाँ पर MUAC इस तरीके से चेक किया जाएगा। यदि यहाँ पर बात की जाती है ग्रीन बैंड की, तो ग्रीन बैंड आता है दैट मीन्स बच्चा क्या है, हेल्दी है, 9 to 11 के ऊपर जाता है तो क्या है, बच्चा हेल्दी है। फिर यदि बिलो येलो में जाता है दैट मीन्स क्या है, बच्चे को, जो बच्चा यदि येलो इसमें जाता है बैंड में दैट मीन्स बच्चा क्या है, मॉडरेट माल नरिस्ड है या फिर माइल्ड कह सकते हैं। यदि रेड में जाता है तो बच्चा क्या है, बहुत ही ज़्यादा माल नरिस्ड, सीवियर माल नरिस्ड है और बच्चे को इमीडिएट केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट है यहाँ पर, इन द स्टेज ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट विच स्टेज इज कंसिडर्ड द टोडलर ग्रुप, तो कौन सी स्टेज है जो टोडलर ग्रुप कहलाएगी। ऑप्शन में है यहाँ पर 0 to 28 days, 28 दिन से 1 साल, 1 साल से 3 साल या फिर 3 से 6 साल। तो टोडलर एज ग्रुप की बात हो रही है, और टोडलर एज ग्रुप कौन सी कहलाती है, तो टोडलर यहाँ पर कहलाएंगे जिनकी एज 1 साल से 3 साल तक हो, कौन सी, 1 से 3 साल तक। अब यहाँ पर हम बात करते हैं प्रीनेटल पीरियड पोस्टनेटल पीरियड की, तो प्रीनेटल पीरियड होता है ओबम से लेके क्या है, ओबम, जो कि 0 to 14 days आफ्टर द कॉन्सेप्शन। फिर आता है एम्ब्रियो, क्या होगा, एम्ब्रियो जो कि 14 दिन से 8 वीक तक, क्या कहलाएगा, 14 दिन से 8 वीक तक का। फिर आता है फीटस, 8 वीक से लेके एट द टाइम ऑफ बर्थ, याद रखना एम्ब्रियो पीरियड कब तक कहलाता है, 14 days to 8 weeks तक, 8 weeks to birth तक, या फिर हम 8 से 40 वीक कह सकते हैं, कहलाएगा फीटस। फिर आता है पोस्ट नेटल पीरियड, क्या होगा, पोस्ट नेटल पीरियड दैट मीन्स आफ्टर द डिलीवरी, न्यूबॉर्न और न्यूनेट कहलाएगा 0 to 28 days तक का, अर्ली न्यूनेट कहलाएंगे 0 to 7 days तक के, यदि ओनली न्यूनेट पूछे तो 0 से 28 दिन। इन्फेंसी पीरियड कहलाता है 28 दिन से लेकर 1 साल तक की एज ग्रुप का बच्चा, टोडलर 1 से 3 साल। फिर आते हैं यहाँ पर प्री स्कूलर, जो कि LKG UKG वाले बच्चे होते हैं 3 साल से लेकर 6 साल तक के, स्कूल गोइंग में आएंगे 6 साल से 10 साल तक के, एडोलसेंट में 10 years to 19 years अकॉर्डिंग टू WHO के, तो एडोलसेंट ग्रुप में आएंगे। फिर आता है अर्ली एडोलसेंट पीरियड, मिडिल एडोलसेंट पीरियड एंड लेट एडोलसेंट पीरियड। तो एडोलसेंट पीरियड की 3 स्टेज हैं, अर्ली, मिडिल एंड लेट, एग्जाम में आपको आ सकती हैं, तो आपको इनके लिए भी याद रखना है, चाहे तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर,
व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। तो यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है कितनी पल्स रेट होगी? 80 to 130 per minute, 120 to 160 per minute, 78 to 120 per minute या फिर 60 to 100 per minute। यदि बच्चे की एज 1 से 2 साल है और नॉर्मल पल्स रेट की बात की जाती है तो कितनी होगी? 80 से 130 per minute। जितनी कम एज होती है पल्स रेट उतनी ज़्यादा होती है, आपको याद रखना है। एज जितनी कम पल्स रेट उतनी ज़्यादा। न्यूबॉर्न में होगी 100 से 150 तक। इन्फेंसी पीरियड में, जो बच्चा अर्ली इन्फेंसी पीरियड में 6 मंथ तक का, तो 90 से 120। और ओनली इन्फेंट है तो 80 से 120। बच्चा है, चिल्ड्रन है, तो 70 से 130। नेक्स्ट है यहाँ पर, द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, क्या है यहाँ, सॉरी, जो न्यूबॉर्न बेबी है यहाँ पर, उनमें एक्सिलरी टेम्परेचर है जो कितना होगा? 40 से 42 डिग्री सेल्सियस, 30 से 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। न्यूबॉर्न बेबी का जो नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर होगा वो होगा 36.5 से लेके 37.4 डिग्री सेल्सियस तक। पॉजिटिव एजेंट है क्लोरिस्टिडियम टिटेनी। क्या है? टिटनस का पॉजिटिव एजेंट क्या हो गया? क्लोरिस्टिडियम टिटेनी। वो क्लोरिस्टिडियम टिटेनी यहाँ पर किस में है जो सर्वाइव नहीं कर पाएगा? तो वो होगा ऑटोक्लेविंग। क्यों होगा? क्योंकि ऑटोक्लेविंग ही एक ओनली ऐसी मेथड है जिसमें स्पोर्स, क्या हैं, स्पोर्स हैं जो बैक्टीरिया हैं, वो सभी चीज़ें मर जाएंगी। ना तो फ्यूमिगेशन में मरेंगी, ना बॉयलिंग में जो स्पोर्स हैं वो मरेंगे, ना ही फ्लेमिंग में जलाने से भी। तो जो चीज़ यहाँ पर इफ़ेक्टिव होगी वो होगी ऑटोक्लेविंग। ऑटोक्लेविंग में टिटनस के बैक्टीरिया और उसके जो स्पोर्स हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, इन स्टेज सर्वाइकल कैंसर स्प्रेड एट ब्लैडर एंड रेक्टम लेवल। तो सर्वाइकल कैंसर में कौन सा लेवल होगा जब कैंसर ब्लैडर और रेक्टम तक स्प्रेड आउट हो जाएगा, फैल जाएगा? 3rd B, 4th A, 2nd A या फिर 4th B? तो कौन सी स्टेज होगी जिसमें कैंसर, सर्वाइकल कैंसर है यदि किसी को, तो वो ब्लैडर और रेक्टम को भी फैल जाएगा, अफेक्ट करेगा? तो वो होगा 4th A। कौन सा होगा? 4th A। अब यहाँ पर जब कैंसर, देखिए सर्वाइकल कैंसर की जो स्टेज 4th होती है, यहाँ पर कैंसर स्प्रेड आउट होना है जो स्टार्ट होगा। तो जब यहाँ पर एक कैंसर कहाँ पर होता है? रेक्टम और ब्लैडर में, तो ये क्या कहलाएगा? 4th A। और जब यही कैंसर बोन्स, लंग्स और लिवर, जो डिस्टेंट लोकेशन है, दैट मीन्स दूर के पार्ट हैं, उनमें जाके फैलता है, कहाँ से? सर्विक्स से यदि रेक्टम ब्लैडर में आया तो 4th A। लेकिन ये जब डिस्टेंट ऑर्गन, दैट मीन्स जो बोन्स हो गई, लंग्स हो गए, लिवर हो गए, यहाँ पर जाके फैलेगा, स्प्रेड आउट होगा सर्वाइकल कैंसर, तो ये कहलाएगा 4th B। यदि आपको एग्जाम में ब्लैडर और रेक्टम कहा है तो आपको कहना है 4th A। यदि कहें यही कि बोन्स में हो गया, लिवर में हो गया, तब आपको क्या कहना है? 4th B। करेक्ट। नेक्स्ट वन है यहाँ पर, If you are confirming the diagnosis of diabetes with capillary blood glucose level, then the cutoff value should be, तो यदि आप diabetes क्या कर रहे हैं, capillary blood glucose level से confirm कर रहे हैं, cutoff value कितनी आनी चाहिए? Fasting blood sugar less than 126 and post PPBS more than 200, FBS more than 110 और PPBS 200, तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? PPBS की वैल्यू बतानी है यहाँ पर और FBS की। तो क्या है जो आपका राइट आंसर होगा यदि आप कैपिलरी ब्लड ग्लूकोज लेवल से क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं कि पेशेंट को क्या है, डायबिटीज़ है या नहीं? तो पोस्ट प्रेंडियल ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है और आपको फास्टिंग ब्लड शुगर वैल्यू बतानी है। तो जो यहाँ पर कन्फर्मेटरी होगा वो होगा आपका 126 फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल, और जो पोस्ट पेरेंटियल ब्लड शुगर लेवल है वो कितना होगा? मोर देन 220, तब कंफर्म होगा कि पर्सन को डायबिटीज़ है। नेक्स्ट वन, पर्सन हुज वेट इज 80 किलोग्राम एंड हाइट इज 156 सेंटीमीटर, BMI ऑफ पर्सन इंटरप्रेटेड एज। एग्जाम में आपको इस तरीके के क्वेश्चन जरूर आएंगे कि
कि बॉडी मास इंडेक्स निकालने के लिए आपको कहा जाएगा, यदि पर्सन का वेट कितना है, 80 किलोग्राम है, हाइट है 156 सेंटीमीटर, तो बीएमआई का आपको फॉर्मूला लगाना है, बॉडी मास इंडेक्स का। तो यहाँ पर होता है वेट इन किलोग्राम डिवाइडेड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर हाइट दी हुई है आपको सेंटीमीटर में, तो आपको इस हाइट को क्या करना है, कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर टू मीटर में, क्योंकि यहाँ पर हाइट आपको जो फॉर्मूला है इरा यहाँ पर फॉर्मूला, जब आप यहाँ पर पर्सन का बीएमआई कैलकुलेट करके निकालेंगे तो कितना आएगा, हाइट मीटर स्क्वायर में निकालनी है, वेट किलोग्राम में निकालना है, पर्सन आएगा ओबेसिटी की कैटेगरी में, किसमें, ओबीस कैटेगरी में। यहाँ पर बीएमआई की जो नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 18.5 टू 24.9। यदि नॉर्मल बीएमआई की हम बात करते हैं तो ये होगी 18.5 टू 24.9। लेकिन यदि यही बीएमआई लेस देन 18.5 जाती है तब पेशेंट कहलाएगा कौन से उसमें, अंडरवेट में, किस में कहलाएगा, अंडरवेट में। लेकिन जब ये 18.5 से 24.9, ये डिपेंड करती है बीएमआई आपके वेट एंड हाइट पर। ऐसा नहीं कि आपकी हाइट बहुत ज़्यादा है, वजन यदि आपका 80 केजी हो जाए तो आप ओबेसिटी में आएंगे, ऐसा नहीं है। बीएमआई डिपेंड करेगा आपकी हाइट और वेट दोनों पर। फिर आता है ओवरवेट में, तो 25 से 29.9 यदि बीएमआई निकल के आती है तो ओवरवेट, मोर यदि 30 के आगे जाता है तो ओबेसिटी, और ओबेसिटी की फिर क्लासेस हैं जो अलग अलग तीन क्लासेस हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायड ऑफ कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस कॉमनली सीन इन। तो कौन सा है जो यहाँ पर थ्री क्लिनिकल कॉज हैं, कौन कौन से हैं, कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस, तो ये किसके यहाँ पर ट्रायड मीन्स थ्री सिम्टम है, मम्स के, मिजल्स के, या फिर रूबेला और टाइफाइड के, तो किसके हैं क्लिनिकल ट्रायड। क्लिनिकल ट्रायड का मतलब है थ्री साइन है। कोरिएजा, कोरिएजा का मतलब होता है कैटरल इन्फ्लामेशन ऑफ द म्यूकस मेम्ब्रेन इन द नोज, नोज में सिम्टम है कोरिएजा में, क्या होगा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है नोज की उसमें क्या होगा, इन्फ्लामेशन देखने को मिलेगा, तो ये कहलाएगा कोरिएजा। जनरली कोल्ड और हे फीवर के कारण ही देखने को मिलेगा। और यहाँ पर कफ और कंजक्टिवाइटिस तीनों साइन हो जाएंगे किसके लिए, मीजल्स के लिए। तो थ्री क्लिनिकल ट्रायड सिम्टम है कोरिएजा कफ एंड कंजक्टिवाइटिस फॉर द मीजल्स। नेक्स्ट है यहाँ पर द फॉलोइंग आर वाटर बॉर्न डिसीज कॉज्ड बाय इंसेक्ट वेक्टर्स मॉस्क्यूटो एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी क्या हैं, वाटर बॉर्न डिसीज हैं, जिनके वेक्टर क्या हैं, मॉस्क्यूटो हो सकते हैं, लेकिन किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में डेंगू, फाइलेरियासिस, टाइफॉइड या फिर मलेरिया। तो सभी के वेक्टर क्या है, मॉस्क्यूटो। डेंगू का क्या है यहाँ पर, एडीज एगेप्टी। मलेरिया के लिए है जो एनाफ्लीज मॉस्क्यूटो, फीमेल एनाफ्लीज। यहाँ पर अब जो बात आती है टाइफॉइड की, किसकी, टाइफॉइड की। टाइफॉइड है जो साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, इसका मच्छर से कोई लेना देना नहीं है। बाकी फाइलेरियासिस, डेंगू, मलेरिया तीनों के वैक्टर हैं जो मॉस्क्यूटो होंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर डिसीज विच डज नॉट ट्रांसमिटेड थ्रू द ट्रांसप्लेसेंटल मोडिस। तो कौन सी डिसीज है जो ट्रांसप्लेसेंटल, दैट मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू बेबी में नहीं जाएगी, वर्टिकल ट्रांसमिशन कॉज नहीं करेगी, कौन सी डिसीज होगी, हेपेटाइटिस सी, सिफिलिस, एचआईवी या फिर हेपेटाइटिस सी। तो यहाँ पर हेपेटाइटिस सी चला जाएगा इजिली वर्टिकल ट्रांसमिशन के थ्रू, सिफिलिस भी हो जाएगा बच्चे को, एचआईवी भी हो सकता है, लेकिन जो नहीं होगा वो होगा हेपेटाइटिस सी। क्यों, क्योंकि जो ट्रांसमिशन मोड होता है हेपेटाइटिस सी एंड हेपेटाइटिस ए का, ये होता है फीको ओरल रूट। कौन सा, फीको ओरल रूट। तो ये किसी भी तरीके से ट्रांसप्लेसेंटल मोड से, निडल प्रिक इंजरी से होने के चांसेस ना के बराबर होंगे। नेक्स्ट वन है यहाँ पर मिड डे मील प्रोग्राम वॉज इनिशिएटेड इन। तो मिड डे मील प्रोग्राम का इनिशिएशन कब किया गया था, 1962, 1972, 1982 या 1952। तो जो मिड डे मील प्रोग्राम है इसको इनिशिएट किया गया था 1962 में। कब, 1962 में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग हेल्प्स इन ऑल एक्सेप्ट। अर्ली इनिशिएशन है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए, सभी किसी एक को छोड़कर। अर्ली इनिशिएशन का मतलब एज अर्ली एज पॉसिबल हो,
तो आप ब्रेस्ट फीड कराते हैं तो सभी केस में हेल्पफुल होगा किसी एक को छोड़कर। ऑप्शन में है यहाँ पर एक्ट एज अ नेचुरल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, प्रिवेंट द ब्रेस्ट कैंसर, इन्वोल्यूजन ऑफ यूट्रस या फिर प्रिवेंट द सर्वाइकल कैंसर। तो क्या होगा यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा वो क्या निकल के आएगा कि यहाँ पर यदि आपने जल्दी ब्रेस्ट फीडिंग कराना स्टार्ट किया तो सबसे प्रिवेंट करेगा किसी एक को छोड़कर, तो इन्वोल्यूजन ऑफ यूट्रस में हेल्प करेगा, यहाँ पर आपको ब्रेस्ट कैंसर से भी प्रिवेंट करने का काम करेगा क्योंकि सेल इन्वेजन होना स्टार्ट होता है इसलिए, फिर यहाँ पर आता है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के तौर पर भी काम करता है। जो कम्प्लीटली ब्रेस्ट फीडिंग मदर होती हैं उनमें एटलीस्ट 30 डेज तक, कितना 30 डेज तक है जो ब्रेस्ट फीडिंग क्या करेगा, कॉन्ट्रासेप्टिव का काम करेगा। फिर यहाँ पर जो होगा वो होगा सर्वाइकल कैंसर, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग सर्वाइकल कैंसर से प्रिवेंट आपको नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट इज आइडल टाइम टू स्टार्ट वीनिंग टू एन इन्फेंट इज, तो बच्चे में आइडल टाइम क्या होगा वीनिंग के लिए। वीनिंग का मतलब होगा बेबी को जो फर्स्ट फूड हम इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसको हम कॉम्प्लीमेंट्री फीड भी कह सकते हैं, वीनिंग भी कह सकते हैं, और इस 6 मंथ की एज से स्टार्ट करवाना चाहिए। नेक्स्ट है यहाँ पर फॉलोइंग आर द एग्जाम्पल ऑफ फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्सेप्ट, तो सभी फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं किसी एक को छोड़कर, माला एन, डायफ्राम, ट्यूबेक्टोमी एंड विड्रावल। तो जो यहाँ पर फीमेल कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर, तो वह विड्रावल क्या है, विड्रावल है मेल में यूज़ किया जाएगा ना कि फीमेल में। फीमेल में माला एन यूज़ किया जाएगा, डायफ्राम यूज़ किया जाएगा, ट्यूबेक्टोमी किया जाएगा, लेकिन जो नहीं होगा वो क्या होगा, विड्रावल। ट्यूबेक्टोमी इंडिया में कॉमनली यूज़ होने वाली स्टरलाइजेशन मेथड है जिसमें यहाँ पे क्या किया जाता है, इसको हम परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड भी कह सकते हैं। नेक्स्ट वन इज आईक्यू में भी डिफाइन करेंगे, तो आईक्यू का जो फॉर्मूला आपको यहाँ पर एग्जाम में आ सकता है वो है यहाँ पर मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। अब यहाँ पर आप देखिए आपका कौन सा आंसर होगा, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट आंसर बताया है आपको एग्जाम में, या तो आपको आईक्यू निकालने के लिए कहा जाए इंटेलिजेंसी क्वाड्रेंट, या फिर आपको फॉर्मूला आ सकता है, या फिर आपको जो रेंज होती है मेंटल रिटार्डेशन के लिए आईक्यू की वो आ सकती है। आईक्यू का जो यहाँ पर डिफाइन करेंगे हम वो होगा मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इनटू 100। तो ये होगा यहाँ पर क्या होगा आपका आईक्यू। अब यहाँ पर जो डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी क्लासिफिकेशन होता है किसके लिए, मेंटल रिटार्डेशन के लिए, एग्ज़ाम में आपको हमेशा ही आता है, तो यहाँ पर आपको आईक्यू रेंज याद रखने की ज़रूरत होगी। जितना कम आईक्यू होता जाएगा पर्सन की कंडीशन उतनी ज़्यादा वर्स्ट होती जाएगी, तो माइल्ड होगा यदि तो 50 से 70, मॉडरेट होगा तो 35 से 50, सीवियर होगा तो 20 से 35, और प्रोफाउंड होगा तो 20 एंड बिलो, जिसमें आपके लिए पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ेगी सीवियर और प्रोफाउंड में। माइल्ड मॉडरेट में पेशेंट अपनी केयर थोड़ी बहुत कर सकता है, बट यदि एग्ज़ाम में आता है कि एडमिशन की ज़रूरत किस केस में पड़ेगी, जब पर्सन का आईक्यू लेवल बिलो 20 चला जाता है तब। नेक्स्ट वन है यहाँ पर आपको आईक्यू लेवल है जो पूरा याद करके जाना है, एग्ज़ाम में आपको आता है। नेक्स्ट है यहाँ पर 6th cranial nerve एब्ड्यूसेंस कंट्रोल्स द, तो 6th 6वें नंबर की क्रैनियल नर्व है, एब्ड्यूसेंस है इसका नाम, तो क्या कंट्रोल करती है, टोटल 12 pair ऑफ क्रैनियल नर्व होती हैं, उनके आपको पूरे नाम, फंक्शन, कौन सी सेंसरी है और कौन सी यहाँ पर मोटार है और कौन सी मिक्स्ड है। तो यहाँ पर जो एब्ड्यूसेंस है इसका काम क्या है, मूवमेंट ऑफ आई बॉल, टेस्ट परसेप्शन, क्लोजर ऑफ एपिग्लोटिस, मूवमेंट ऑफ द टंग। तो 6वें नंबर की क्रैनियल नर्व काम करती है आई बॉल को मूव करने के लिए, कौन सी, आई बॉल को। और जो 3 cranial nerve है, 3 cranial nerve जो कि आई बॉल मूवमेंट को, आई बॉल कंट्रोल में हेल्प करती हैं, वो है ऑक्यूलोमोटर, 3rd cranial nerve, ट्रोक्लियर, 4th cranial nerve एंड एब्ड्यूसेंस 6th नंबर की क्रैनियल नर्व। तीनों क्या करती हैं, आई बॉल के मूवमेंट में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग मेडिकेशन शुड बी विथहेल्ड अ वीक बिफोर कार्डियक सर्जरी, तो कोई भी कार्डियक सर्जरी होनी हो, हार्ट सर्जरी होनी हो, तो कौन सी मेडिसिन है 1 हफ्ते पहले ही विथहेल्ड कर दी जाती है, मतलब स्टॉप कर दी जाती है। यदि आपकी सर्जरी है जो
अभी से 8 दिन बाद होने वाली है, तो इनमें से जो मेडिसिन आप ले रहे हैं तो किसको हम स्टॉप कर देंगे सर्जरी के 1 वीक पहले? ऑप्शन में है यहाँ पर थ्रूसेमाइड, मेटोप्रोलॉल, रेमिप्रिल या फिर क्लोपिडोग्रेल। यहाँ पर कौन सी मेडिसिन स्टॉप कर दी जाती है बिफोर कार्डियक सर्जरी के? वो है यहाँ पर क्लोपिडोग्रेल। कौन सी? क्लोपिडोग्रेल मेडिसिन को स्टॉप विथहेल्ड कर दिया जाता है क्योंकि एक एंटी प्लेटलेट मेडिसिन है और ये पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करने के कारण, क्या करना है, पेरी ऑपरेटिव हेमरेज को प्रिवेंट करना है, इसीलिए इस एंटी प्लेटलेट ड्रग को विथहेल्ड और स्टॉप कर दिया जाता है बिफोर द कार्डियक सर्जरी। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, क्लोपिडोग्रेल। नेक्स्ट है यहाँ पर विच हार्मोन इज प्रेजेंट इन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो यहाँ पर हम पूरे कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में पढ़ेंगे विद इन 5 मिनट में। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है कौन सा है, हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स इनमें से कौन सी है? प्रोजेस्टेरोन रहेगा, एस्ट्रोजन रहेगा, बोथ ए एंड बी होंगे या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होगा। तो जितनी भी यहाँ पर जो हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं उनमें प्रोजेस्टेरोन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। क्या होगा? प्रोजेस्टेरोन भी होगा और एस्ट्रोजन भी होगा। तो यहाँ पर जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं जनरली, कौन सी कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं, उनमें एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों का लो डोज रहेगा और जो कंबाइंड ओसीपी होती हैं ओव्यूलेशन प्रोसेस को ही इनहिबिट करेंगी, सप्रेस करने का काम करेंगी। ना होगा ओव्यूलेशन, ना यहाँ पर आपको कंसीव करने के चांस बढ़ेंगे। अब यहाँ पर एग्जाम में आपको हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस यदि आती हैं तो वो है प्रोजेस्टासाइड, जो कि टी शेप्ड डिवाइस होती है। यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड है जो यहाँ पर नहीं दी हुई है, तो यहाँ पर ये यह है यहाँ पर प्रोजेस्टासाइड। ये क्या है? प्रोजेस्टासाइड है, टी शेप्ड डिवाइस है और ये क्या है? हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस है। एलएनजी होगा यहाँ पर, मेरेना जिसको हम कहेंगे। तो यहाँ पर एलएनजी और मेरेना आपको इमेज आ सकती है एग्जाम में। तो ये किसकी इमेज है? मेरेना की। ये भी टी शेप्ड रिलीजिंग है जो कि लेबोनोजेस्ट्रॉल को 20 mcg लेबोनोजेस्ट्रॉल को रिलीज करेगी। यदि प्रोजेस्टासाइट की बात करें तो सेकंड नंबर की इमेज ऑप्शन नंबर जो बी दिख रहा है यहाँ पर, ये क्या है? प्रोजेस्टासाइट है और ये पर डे टोटल इसमें 38 mg प्रोजेस्टेरोन रहेगा, लेकिन ये रिलीज करेगा यूट्रस में कितना, 65 mcg पर डे। और इसका जो इफेक्ट होगा वो क्या होगा? यूट्राइन लाइनिंग और सर्वाइकल म्यूकस के यहाँ पर इफेक्ट करना। फिर आती है थर्ड जनरेशन को ही हम हार्मोन रिलीजिंग इंट्रायूट्राइन डिवाइस कहते हैं। याद रखना है आपको, थर्ड जनरेशन IUCD इज ऑल्सो नोन एज द हार्मोन रिलीजिंग IUCD एंड एग्जाम्पल है प्रोजेस्टासाइड, मेरेना और LNG। फेलियर रेट 0.2% से भी कम है इसके। फिर आती है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन, थर्ड पूछते हैं तो हार्मोन वाली याद रखना है। हार्मोन वाले में आपको क्या क्या आ जाएंगी, जितने भी हार्मोनल यहाँ पर मेथड होंगी। फिर आता है सेकेंड जनरेशन IUD में, तो सेकेंड में आएगा कॉपर्टी 380A, कॉपर्टी 200B, मल्टीलोड और नोवाटी। ये सब किसकी हैं? ये है यहाँ पर सेकेंड जनरेशन। फिर यहाँ पर आता है जो फर्स्ट जनरेशन में, तो फर्स्ट जनरेशन में जितनी नॉन मेडिकेटेड होंगी, जिनमें मेडिसिन नहीं होगी, लेकिन यहाँ पर लिपेज लूप, स्पायरल कॉइल्स और बाउस, ये सब क्या हैं? ये है यहाँ पर किस, कौन से? ये फर्स्ट जनरेशन के। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे देखेंगे, आई होप आपको ये सभी IUCD हैं जो क्लियर हो गई हो। नेक्स्ट है यहाँ पर बैरियर मेथड्स आर ऑल एक्सेप्ट, तो बैरियर मेथड सभी हैं किसी एक को छोड़कर, डायफ्राम, कॉन्डोम, लिपेज लूप या फिर वेजाइनल स्पंज। तो यहाँ पर बैरियर का मतलब होगा मैकेनिकल, या फिर क्या बैरियर का मतलब होगा, रोकने का काम करेंगे। डायफ्राम है यहाँ पर, कॉन्डोम है, वेजाइनल स्पॉन्ज है, सब क्या होगी? बैरियर मेथड होंगी। लिपेज लूप है फर्स्ट जनरेशन IUD, ये बैरियर मेथड नहीं है। नेक्स्ट है यहाँ पर कॉपर टी 380A IUD शुड बी रिप्लेस्ड वंस इन, तो कॉपर टी 380A IUD है जो कब रिमूव करवा सकते हैं, कितने टाइम में? 2 साल में रिप्लेस कर सकते हैं, 10 साल में, 3 साल में, फिर 5 साल में।
तो यहाँ पर इसका जो ड्यूरेशन ऑफ एफिकेंसी है, मतलब कितने टाइम तक सही तरीके से काम करेगा, तो वो होगा 10 साल। लेकिन यदि आप 10 साल के पहले कंसीव करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं कि आप इसको 10 साल तक 10 ईयर तक ही इंसर्ट करवा के रखें। यदि आपने इंसर्ट करवाया है आफ्टर दैट 1 ईयर 6 मंथ और 2 ईयर में आप कंसीव करना चाहते हैं तो इसको आप रिमूव करवा सकते हैं। IUD का फर्स्ट जो साइड इफेक्ट होता है IUCD का, वो होता है वेजाइनल ब्लीडिंग, हैवी वेजाइनल ब्लीडिंग एंड पेन, एग्जाम में आता है आपको। नेक्स्ट वन है यहाँ पर माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स डिफर फ्रॉम माला डी इन टर्म्स ऑफ, तो ये क्वेश्चन आपके CHO के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। तो माला एन ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स OCP है, माला डी से किस तरीके से डिफर है? तो दोनों में जो डोज होता है, कौन सा, जो नॉर्जेस्ट्रॉल का डोज होता है, एस्ट्रॉइडल डोज होता है, दोनों में सेम होता है। यहाँ पर सोल्ड अंडर सोशल मार्केटिंग ये भी होगा, सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट। तो माला एन है जो माला डी से इस तरीके से भिन्न है क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। कैसी फ्री ऑफ कॉस्ट है जो अवेलेबल रहेगी माला एन, लेकिन माला डी को आप मार्केट से भी परचेस कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एलिजिबल कपल्स आर दोज कपल्स एज ग्रुप ऑफ, एलिजिबल का मतलब वो फर्टाइल कपल, फर्टाइल का मतलब जो रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, जो लोग कंसीव कर सकते हैं। तो यहाँ पर फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल कौन से होंगे? तो फर्टाइल और एलिजिबल कपल माने जाते हैं 15 से 45 साल तक के, कौन से, 15 to 45 ईयर्स एज ग्रुप तक के कपल माने जाते हैं फर्टाइल कपल और एलिजिबल कपल। नेक्स्ट है यहाँ पर हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव चॉइस इज लैक्टेटिंग मदर इज, तो जो माँ अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीड करा रही है तो उसमें कौन सी हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट होगी, मिनी पिल्स, कंबाइंड पिल्स, सेंटोक्रोमाइन या फिर नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लैक्टेटिंग मदर के लिए, जो नर्सिंग मदर भी कहते हैं हम जिनको, तो उनके लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बेस्ट रहेगी वो होगी मिनी पिल्स, क्योंकि इसमें प्रोजेस्ट्रॉन का स्मॉल कंटेंट ही अवेलेबल होता है और ये प्रेगनेंसी को क्या कर सकता है, कंट्रोल करने का काम कर सकता है। तो यहाँ पर प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स और मिनी पिल आपको मार्केट में प्रोजेस्ट्रॉन ओनली पिल्स POPs के नाम से मिलेंगी या फिर मिनी पिल्स के नाम से मिल जाएंगी, और 99% है जो इफेक्टिव है। फिर यहाँ पर और आता है, फिर आता है सहेली, जो कि वंसा वीक पिल हफ्ते में एक बार लेना है, जिसको हम ऑर्मेक्स लॉक फैम और सेंटोक्रोमेन के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पर जो सहेली है ये क्या है, मार्केट में भी अवेलेबल हो जाती है और गवर्नमेंट में भी अवेलेबल हो जाएंगी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर DMPA, दैट मीन्स प्रोवेरा या फिर डेपो प्रोवेरा के नाम से रहेगा यहाँ पर। तो इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये कब दी जाती है, इट्स गिवन एवरी 2 वीक, 2 मंथ, 3 मंथ या फिर 2 ईयर। तो DMPA इंजेक्टेबल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है और ये हर 3 महीने में, कब, एवरी 3 मंथ में इंट्रामस्कुलर रूट से है, जो 150 mg डोज है जो इसका दिया जाता है डीप IM इंजेक्शन के थ्रू। क्या है, डेपो प्रोवेरा एग्जाम में आपको आता है, तो डेपो प्रोवेरा दिया जाता है कब, एवरी 3 मंथ में, कब दिया जाएगा, एवरी 3 मंथ में दिया जाएगा और इंट्रामस्कुलर रूट से इसको दिया जाएगा। आपको ये एग्ज़ाम में भी आ सकता है और यहाँ पर एग्ज़ाम के अलावा एज अ नर्स, एज अ CHO आपको आइडिया होना चाहिए कि आपके क्लिनिक पे यदि कोई फैमिली प्लानिंग मेथड के बारे में पूछने आता है तब आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं, लेकिन ये एडवाइस डॉक्टर करेगा, आप ओनली इंजेक्शन उसको ये लगा सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर सेफ पीरियड इज कैलकुलेटेड बाय, तो सेफ पीरियड का मतलब होगा ऐसा टाइम पीरियड जिसमें आप सेक्स करते हैं, इंटरकोर्स करते हैं, तो कंसीव होने के चांस ना के बराबर होंगे, फर्टिलाइजेशन होने के चांस ना के बराबर होंगे, तो वो कौन सा पीरियड होगा और किस बेस पे डिपेंड करेगा, ड्यूरेशन एंड डेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे, लेंथ ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल पर, लेंथ ऑफ ओवुलेशन पे, लेंथ ऑफ यूटीएल फेज पर। तो सेफ पीरियड क्या है, सेफ पीरियड कब माना जाता, किस बेस पे काम करेगा कि आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल कितने दिन की है। यदि आपका 28 डेज की जो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल है तो उसके बेस पर कैलकुलेट किया जाएगा कि सेफ पीरियड कौन सा होगा। नेक्स्ट वन है यहाँ पर व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर, तो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर कितना होगा, और जब IOP बढ़ता है, IOP का मतलब आँखों में जो प्रेशर बढ़ेगा
तो वो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्लूकोमा, ग्लूकोमा होगा तो ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस हो जाते हैं, और ये आईओपी के कारण ही होगा। तो नॉर्मल इंट्राऑक्युलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 एमएम ऑफ एचजी, कितना होगा 12 to 21 एमएम ऑफ एचजी। नेक्स्ट वन है यहाँ पर हॉर्मोन विच रेगुलेट द ब्लड प्रेशर एंड सीक्रेटेड बाय द किडनी। इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कौन सा हार्मोन है जो किडनी के थ्रू सीक्रेट होता है और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। रेनिन, एरिथ्रोपोइटिन, एल्डोस्टेरोन या फिर एंजियोटेंसिनोजिन। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, और आज रात में ही मे बी 10 o'clock तक आपकी जीके की भी एक क्लास की जाएगी, तो आप लोग उसको भी ज़रूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, हैव अ गुड डे, बाय बाय।